हल्की हल्की ठंड हो और साथ में हो गर्मा गर्म पकौड़े। आज मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है पालक की पत्तियाँ। तो यहाँ पर मैंने पालक की पत्तियों को अच्छे से धो लिया है और उनको हल्का सा सुखा भी लिया है। बेसन लिया है मैंने 2 कप के करीब और उसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चावल का आटा, जिससे कि वो थोड़े से कुरकुरे बने। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर। और उसके बाद इसमें मैं अब डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। तो इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। तो पानी डाल के इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप इसमें हल्का सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। तो एक एक करके जो पालक के पत्ते हैं इसमें डिप करेंगे और कढ़ाई में डालते रहेंगे। तो यहाँ मैं डिप करके कढ़ाई में पकौड़ों को तल रही हूँ। एक एक करके डालिए और एक साथ 3 से 4 पकौड़े आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर आँच मैंने तेज़ी रखी है और गर्मा गर्म पकौड़े यहाँ पर बन रहे हैं। इनको थोड़ी देर बाद पलट लीजिएगा, नीचे से भी एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। तो इस तरह मेरे यहाँ पर पालक के पकौड़े बनके एकदम तैयार हो गए हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाले पकौड़े हैं। तो ठंडियों में पालक खूब होती है, तो आप इस तरह पालक के पकौड़े बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने बनाई है पुदीने और टमाटर की चटनी। तो पुदीने और टमाटर की चटनी के साथ गर्मा गर्म पालक के पकौड़े।